गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीवो की तरफ से रिसेंटली लॉन्च किया गया V29। और इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के जो भी सभी हिडन फीचर्स है, सेटिंग्स है, जैसे कॉल रिकॉर्डिंग, ऐप लॉक, ऐप हाइड या फिर कैमरा के जो भी सभी फीचर्स, पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, वीवो V29 और V29 प्रो में जो भी फीचर्स है, सेटिंग है, सब सेम दिए गए हैं। बस उनके जैसे कैमरा स्पेसिफिकेशन, चिपसेट्स वगैरह, तो उन्हीं में डिफरेंस है। तो मैं आपको वीवो V29 प्रो की हेल्प से ही ये सब चीजें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गैजेट्स डिस्कवरी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, वीवो V29 और V29 प्रो में सभी स्पेसिफिकेशंस, सभी हिडन फीचर्स और सेटिंग बिल्कुल सेम है। तो V29 प्रो से ही मैं आपको ये बताने वाला हूं, कोई भी एक छोटा सा भी डिफरेंस यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो चलिए सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं फोन के होम स्क्रीन सेटिंग से। तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे वॉलपेपर्स हम चेंज कर सकते हैं, जो प्रीलोडेड वॉलपेपर्स मिलते हैं, काफी कूल वॉलपेपर्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से आप प्रीलोडेड वॉलपेपर्स चेंज कर पाओगे। इसके अलावा जैसे ही नेक्स्ट चले तो यहाँ पे यूआई कलर का, और यूआई कलर में क्या होगा, जैसे आप डायल पैड वगैरह ओपन करते हो या फिर ये कंट्रोल सेंटर, इसमें आप कलर देख पाओगे, जो भी कलर आप यहाँ पे टैप करोगे वो कलर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और डे टू डे आप कलर्स को चेंज करके एक न्यू फील जो है यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा यूआई कलर में ही नीचे की तरफ अप्लाई कलर टू आइकन्स, जो फोन के प्रीलोडेड एप्लीकेशन है, जो उनके आइकन्स होंगे उनमें भी ये कलर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर दीजिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी कलर के जैसी थीम यहाँ पे अभी हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे विजिट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे जो भी आपकी एप्लीकेशन रहती है या फिर जो जैसे वेदर हो गया, क्लोक होगी या फिर जो एप्लीकेशन, उनके पर्टिकुलर जो भी विजिट्स रहने वाले हैं वो आप यहाँ से होम स्क्रीन पे सेट कर पाओगे। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आपको होम स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और सबसे फर्स्ट में होम स्क्रीन स्टाइल। तो यहाँ से आप ड्रॉअर मोड और स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी एक। इसके अलावा होम स्क्रीन लेआउट यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि जो होम स्क्रीन पे एप्लीकेशन है वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने रहे एक रो में, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइडिंग इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, जो होम स्क्रीन का स्लाइडिंग इफेक्ट रहने वाला है। अलग अलग स्लाइडिंग इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छे हैं। और इसके अलावा राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन, आइकन के जो कॉर्नर है वो कितने राउंड होने चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और बाकी उनका साइज जो है यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे। नेक्स्ट लॉक लेआउट, लॉक लेआउट में क्या होगा, जैसे यहाँ से अगर आप लेआउट को लॉक कर दोगे तो जो होम स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। कोई भी एप्लीकेशन या फिर कुछ भी उसमें अगर सेटिंग चेंज करनी हो तो पहले यहाँ से अनलॉक करना होगा। काफी बार गलती से हमसे कुछ सेटिंग जो है चेंज हो जाती है होम स्क्रीन की, तो वो इससे लॉक करने से नहीं होंगी। इसके अलावा है स्वाइप डाउनवर्ड ऑन होम स्क्रीन, यानी कि होम स्क्रीन पे आप कहीं भी स्वाइप करते हो नीचे की तरफ तो ये कंट्रोल सेंटर ओपन हो या फिर जो ग्लोबल सर्च है वो ओपन हो, उनमें से कोई भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं रिसेंट एप्लीकेशन की तरफ। तो जैसे यहाँ से आप रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करते हो और किसी भी एप्लीकेशन के आइकन पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको लॉक और स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। लॉक करने से क्या होगा, मान लीजिए आपने YouTube को लॉक कर दिया और यहाँ से मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ तो YouTube जो है क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब जो भी टास्क इसमें चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा। ये जैसे आप कोई म्यूजिक प्ले करते हो किसी एप्लीकेशन में तो वो लॉक कर सकते हो आप, ताकि अगर आप क्लियर भी करो तो वो यहाँ से क्लियर ना हो और आपका म्यूजिक वगैरह कंटिन्यू चलता रहे। फिर किसी एप्लीकेशन में आप कोई टास्क ओपन करके रखते हो तो उसे आप जो है लॉक कर सकते हो, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है और यहीं से आप एप्लीकेशन को अनलॉक भी कर पाओगे। इसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन का आप सभी लोगों को शायद पता होगा, एक साथ हम स्क्रीन पे दो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ क्रोम चल रहा है और नीचे मैं ये जो एप्लीकेशन है इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकता हूँ, तो ऐसे करके आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं डायलर सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको गूगल का डायलर जो है देखने को मिलता है। अब इसमें कॉल रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट जब आप वो कॉल डायल करोगे तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, और उसमें एक चीज ये रहेगी कि दूसरे कॉलर को पता लग जाएगा कि आप उनकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। इसके अलावा चले सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे आप ब्लॉक नंबर में जाके जो भी नंबर आपने ब्लॉक किए हुए हैं वो चेकआउट कर सकते हो, या फिर जो नए नंबर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे वो नंबर डाल के ब्लॉक कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडवांस में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे जो भी फोन नंबर या फिर किसी भी नाम से आपने नंबर को सेव किया है तो वो कॉल अगर आपको चाहिए कि फोन आपको बताए तो यहाँ पे आप ऑलवेज कर सकते हो, या फिर अगर आपने सिर्फ हेडसेट लगा रखे उस टाइम वो अनाउंस हो तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कॉलर आईडी अनाउंसमेंट के। बाकी फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉल आ रही हो और आप फोन को फ्लिप कर देते हो तो फोन क्या है साइलेंट हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे साउंड से रिलेटेड सभी सेटिंग है, जो भी रिंगटोन वॉल्यूम है, मीडिया वॉल्यूम है, यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। वॉल्यूम बटन की सेटिंग एडजस्ट करनी है, जैसे वॉल्यूम बटन से मीडिया साउंड कंट्रोल हो या फिर रिंगटोन साउंड, नॉर्मली जब आप इसे प्रेस करो तो यहाँ पे आपको वो फीचर मिल जाता है।
वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स। स्टार्टिंग में जब आप फोन लेते हो तो ये फीचर डिसेबल रहता है, तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे आपको डायल पैड टोन, स्क्रीन लॉक साउंड, चार्जिंग साउंड, ये सब जो साउंड है इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे टच वाइब्रेशन, यानी जैसे आप ये नेविगेशन कीज प्रेस करते हो फिर कीबोर्ड वगैरह पे टाइपिंग करते हो, तो वो वाइब्रेशन यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आपका फोन कोई भी कॉल पिक करेगा या कट करेगा तो फोन हल्का वाइब्रेट करेगा। और बाकी साउंड क्वालिटी एंड प्रोफाइल में चले तो यहाँ पे आप जो है ऑडियो की सेटिंग कर सकते हो, जैसे आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो या फिर मूवीज वगैरह वॉच करते हो तो यहाँ पे आप साउंड प्रोफाइल चेंज कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम स्मार्टफोन की गैलरी की तरफ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने काफी सारे फोटोज क्लिक करके रखे होते हैं, तो उनमें क्या होता है हमारी कुछ फोटोज अच्छी रहती है तो हम बार बार उन्हें आके ढूंढना पड़ता है, कहीं भी हमें उन्हें सेट करना हो या कुछ भी करना हो, तो यहाँ से आपको एक फीचर मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको कोई भी फोटो आपकी अच्छी लगती है तो सिंपली आप उसे हर्ट दे सकते हैं, और जैसे ही आपने यहाँ पे उसे हर्ट दिया तो क्या होगा, एक अलग से जो है एल्बम क्रिएट हो जाएगी फेवरेट फोटोज की, तो आपको बार बार आके मेन फोटो सेक्शन में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अलग से आके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर मोर के ऑप्शन में चलते हो तो किसी भी फोटो को वॉलपेपर पे डायरेक्टली सेट कर सकते हो, किसी भी कॉन्टेक्ट की प्रोफाइल पे सेट कर सकते हो, गूगल लेंस पे सर्च कर सकते हो। मान लीजिए अभी ये जो सीन है आप लोगों के सामने, अगर मैं गूगल लेंस पे इसे सर्च करता हूँ तो गूगल लेंस इससे रिलेटेड सर्च आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर देगा। जैसे अभी ये स्टिकर लगा हुआ था तो स्टिकर यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली गूगल लेंस के हिसाब से काफी कुछ चीजें जो है सर्च कर सकते हो फोटोज में। अगर किसी फोटो को एज ए पीडीएफ जनरेट करना है, पीपीटी जनरेट करना है तो यहाँ से कर पाओगे, एज ए डॉक्यूमेंट उन्हें जनरेट करना है, और बाकी यहाँ पे आपको फोटो वीडियो को हाइड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है तो सिंपली यहाँ से हाइड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो काफी सारे फीचर यहीं आपको फोन में इनबिल्ट मिल जाते हैं फोटोज वगैरह को एडिट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आप मल्टीपल फोटोज या वीडियोज सेलेक्ट करते हो और थ्री डॉट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कोलाज क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और काफी सारे यूनिक स्टाइल यहाँ पे आपको कोलाज के मिल जाते हैं, तो आप अपने फोटोज के काफी अच्छे कोलाज यहाँ से क्रिएट कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे ही थ्री डॉट पे ही जाने के बाद मल्टीपल फोटोज जब आप सिलेक्ट करके रखते हो तो उन्हें भी आप एज ए पीडीएफ जनरेट कर सकते हो या फिर उनकी वीडियो जनरेट कर सकते हो यहाँ से, या फिर मल्टीपल फोटोज वीडियोज को हाइड कर सकते हो सिलेक्ट करके। इसके अलावा अगर हम गैलरी के यहाँ सेटिंग्स में चले तो यहाँ पे आपको रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स यानी कि रिसाइकल बिन को इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। स्क्रीन स्टे जोन व्हेन व्यूइंग इमेजेस, जब तक आप फोटोज को देखते रहोगे तो डिस्प्ले जो है बंद नहीं होगी ऑटोमेटिकली, वो जो है लाइट अप ही रहने वाली है क्योंकि कैमरा जो है कंटिन्यूसली आपके आईज को डिटेक्ट करता रहेगा। रोटेट ऑटोमेटिकली व्हेन व्यूइंग इमेजेस, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने ऑटो रोटेट डिसेबल कर दिया बट ये फीचर यहाँ से इनेबल है, तो जब भी आप फोटोज वगैरह देखोगे फोन को रोटेट करोगे तो वो रोटेट होंगे चाहे ऑटो रोटेट यहाँ से डिसेबल रहे। साथ ही यहाँ पे आपको हिडन फोटोज वीडियोज का फोल्डर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्राइवेसी पासवर्ड एक बार सेट करना होगा, उसके बाद जो भी आपकी फोटोज वीडियोज रहने वाली है वो यहाँ से आके आप जो भी हाइड करोगे वहाँ पे जाके चेकआउट कर पाओगे। बाकी रिसाइकल बिन की जो मैंने आपको बात बताई थी, यहाँ पे रिसाइकल बिन देखने को मिल जाता है, जो भी आपकी डिलीटेड फोटोज वीडियोज रहने वाली है वो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर पाओगे। मान लीजिए अभी मैंने ये फोटो डिलीट कर दी तो ये रिसाइकल बिन से आप रिकवर कर सकते हो, 30 दिन तक ये यहाँ पे रहती है, इसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉअर ओपन करते हो एप्लीकेशन का तो यहाँ पे एक बहुत ही सही फीचर मिलता है, यहाँ पे जैसे ही आप थ्री लाइन्स पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है बाय नेम बाय यूजेस फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये जो ऑर्डर है एप्लीकेशन का वो सेट करने का ऑप्शन मिलता है आपको। अब अगर आप बाय यूजेस फ्रीक्वेंसी करते हो तो इसमें क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन आप सबसे ज्यादा बार बार ओपन करोगे वो यहाँ पे सबसे टॉप पे आने लग जाएंगी, तो आप बाय यूजेस फ्रीक्वेंसी कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार एप्लीकेशन ढूंढने की जरूरत ना हो, जो भी एप्लीकेशन आप मोस्टली यूज करते हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर में सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम फोन के कैमरा की तरफ, और कैमरा में काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं तो बारी बारी आपको बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं नाइट मोड की तरफ, और नाइट मोड में यहाँ पे आपको ट्राइपॉड मोड जो है ये डिटेक्शन मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप ट्राइपॉड पे लगा के स्टारी स्काई या फिर सुपर मून की फोटो क्लिक करते हो तो बहुत ही बेटर यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट चले तो यहाँ पे आपको पैनारोमा नाइट यानी कि पैनारोमा फोटोज भी यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो नाइट टाइम में। इसके अलावा यहाँ पे आपको सुपर मून फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे ट्यूटोरियल भी दिया गया है कि सुपर मून की फोटोज कैसे आपको क्लिक करनी है, काफी अच्छी फोटोज यहाँ पे निकल के आने वाली है। नेक्स्ट यहाँ से आप जो है जूम कर सकते हो कैमरा का, और 10x जूम आपको नाइट मोड में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा चले सेटिंग्स में तो यहाँ पे आप फोटोज का जो रेशो है वो चेंज कर सकते हो, फुल 4:3, 1:1। इसके अलावा टाइमर जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे ग्रिड लाइन लेवल, जैसे आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो लेवल होता है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है, वाटरमार्क, और वाटरमार्क में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जैसे जो फोन का मॉडल रहता है और जो टाइम डेट रहती है वो देखने को मिलती है फोटो के कॉर्नर में। बाकी आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इसे, जैसे अपना नाम डालना चाहो, कुछ भी जो आप डालना चाहो वो यहाँ पे आप
डाल सकते हो कस्टमाइज करके। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड में, और पोर्ट्रेट मोड में सबसे फर्स्ट में यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन मिल जाता है। और गाइस इस स्मार्टफोन में एक नया फीचर जो है दिया गया है आप कह सकते हैं फ्लैश का, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे की तरफ आपको दो लाइट देखते हैं, फ्लैश लाइट होगी एक ओरा लाइट। तो फ्लैश लाइट का तो आप लोगों को पता ही है वो ब्लिंक करती है जैसे ही आपका फोटो क्लिक करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने अभी फोटो क्लिक करी तो ये अभी आप देखोगे फ्लैश लाइट जो है ब्लिंक करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ओरा लाइट दी गई है, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ओरा लाइट को मैंने इनेबल कर दिया, तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे ओरा लाइट जो है ये लाइट अप हो चुकी है। रिंग लाइट आप कह सकते हो एक तरीके की छोटे टाइम में दी गई है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे आप इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो लाइन दी गई है इससे आप इसका कलर चेंज कर पाओगे। नीचे की तरफ को लेके आऊंगा तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज कलर की लाइट बिल्कुल हो जाती है। अभी आप कैमरा में शायद ठीक से नहीं देख पाओगे फोन के कैमरा में, बट यहाँ पे ऑरेंज कलर अभी इसका बिल्कुल हो चुका है। और जैसे मैं इसे आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल व्हाइट लाइट ये हो जाती है। तो बहुत ही सही फीचर ये दिया गया है। अगर आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए फोन के बैक कैमरा में तो यहाँ पे आप इस ओरा लाइट का यूज कर सकते हो, और थोड़ा बहुत वो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। जैसे अगर आपको वार्म फोटो चाहिए या फिर थोड़ा कूल टाइप की फोटो चाहिए तो यहाँ से आप उनमें सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे HDR इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो सुपर नाइट, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में भी आप सुपर नाइट मोड में फोटोज क्लिक कर सकते हो जिससे काफी अच्छे फोटोज आपके आएंगे। और यहाँ पे HD पोर्ट्रेट मोड ये सब आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल मिलता है, अलग अलग स्टाइल यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड के देखने को मिल जाते हैं। कुछ आप एक तरीके से इन्हें जो है फिल्टर्स फ्रेम वगैरह ये सब भी बोल सकते हो। साथ ही यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन मोड भी मिल जाता है, उसकी सेटिंग यहाँ से आप कर पाओगे। और ये नीचे की तरफ जो थर्ड ऑप्शन है इसमें क्या होगा, जो बैकग्राउंड का ब्लर रहता है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल बहुत ज्यादा रखना है कम रखना है तो यहाँ से सेट कर पाओगे। इसके अलावा चले सेटिंग्स में तो वही फीचर सब कुछ आपको देखने मिल जाता है। बस एक नया जो ऐड हुआ है नाइट से पोर्ट्रेट मोड में ये है मोशन ऑटो फोकस का। अगर आप मोशन में रह के भी फोटोज क्लिक कर दो तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फोकस करने वाला है। फोटोज मोड में चले तो यहाँ पे गूगल लेंस का फीचर आपको मिल जाता है। जैसे आपको कोई भी फोटो क्लिक की है उसमें कोई टेक्स्ट है वो कॉपी करना है या उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करके देखनी है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये गूगल लेंस की हेल्प से आप सब डायरेक्टली फोटोज क्लिक करके कर सकते हो। बाकी फ्लैश लाइट यहाँ पे HDR मोड। और नेक्स्ट ये ऑप्शन है नेचुरल कलर के साथ अगर आप फोटोज क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। और अगर आप बाकी फोन के साथ जो फोन ऑटोमेटिकली आपको कलर चेंज करके देता है थोड़े बहुत फोटोज में तो वो अगर आप रखना चाहते हो तो नेचुरल कलर को डिसेबल रख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ फिल्टर्स नीचे की तरफ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सेटिंग में चले तो वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टेबलाइजेशन लेवल, मोशन ऑटो फोकस, ये सब। बाकी नेक्स्ट हम चले वीडियो मोड में, तो वीडियो मोड में गाइस यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। दो तरीके की स्टेबलाइजेशन दी गई है, एक नॉर्मल स्टेबलाइजेशन मोड है, एक अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप वीडियोस क्लिक करते हो चलते हुए घूमते हुए तो उसमें क्या है स्टेबल वीडियो क्लिप आपको निकल के मिलने वाली है। बाकी यहाँ से आप जो है वीडियो का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो, 4K तक आप यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हो और 60 FPS में भी कर पाओगे। तो यहाँ से ये सब सेटिंग्स आप चेंज कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ से आप फिल्टर्स वगैरह वीडियो में भी अप्लाई कर सकते हो। ब्यूटिफिकेशन मोड यहाँ पे आपको वीडियो में भी मिल जाता है। वो पोर्ट्रेट वीडियो भी आप यहाँ से निकाल पाओगे, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर के साथ वीडियोज आप यहाँ से इस फोन से शूट कर सकते हो, जो कि काफी सही फीचर है। और ये सभी जो फीचर्स आपको मोस्टली फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट माइक्रो मूवी में क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। जैसे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे तो आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे माइक्रो मूवी में होने वाला क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इफेक्ट जो सिलेक्ट किया, आपने 2, 3, 4, 5 जितने सेकंड की आपको वीडियो बनानी है वो बनाई, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कोई दूसरा इफेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिए, फिर आपने जितने टाइम की आपको वीडियो शूट करनी है वो करी, फिर आपको कोई नया इफेक्ट ये डालना है यहाँ पे भी जो दिए गए हैं वो आप डाल सकते हो, और उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो ये एक वीडियो विद म्यूजिक यहाँ पे आपको मिल जाएगी, म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, आप खुद से भी म्यूजिक ऐड कर सकते हो। अलग अलग म्यूजिक मिल जाते हैं फोन में, प्रीलोडेड भी है, और बाकी और भी अगर आप यहाँ से ये देखोगे स्टाइल वीडियो में ऐड करना चाहते हो तो ये स्टाइल यहाँ से भी आप ऐड कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट वीडियो जो है तैयार होके मिल जाएगी। तो ये जो डेली छोटे शॉर्ट वीडियोस या फिर आप रेगुलर व्लॉग्स वगैरह डालते हो वहाँ पे काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट रील्स वगैरह में। और इसके अलावा मोर के ऑप्शन में अगर हम चले तो यहाँ पे आप हाई रेजोल्यूशन की फोटोज क्लिक कर पाओगे। पैनो मोड यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि किसी लंबी फोटो को आपको क्लिक करना है तो पैनोरामा मोड में जाके कर सकते हो। अल्ट्रा HD यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोटो क्लिक करनी है तो इस मोड में जाके कर सकते हो। स्लो मोशन मिल जाता है, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड यहाँ पे है, एस्ट्रो मोड, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सुपर मून यहाँ पे जो हम नाइट मोड में गए थे
तो यहाँ पे आपको सुपर मून और एस्ट्रो दोनों ही मोड मिल जाते हैं। तो मैंने सुपर मून का बता दिया था। एस्ट्रो मोड में क्या है, जैसे आप स्टारी स्काई रह रहा है तो स्काई की अगर आप फोटो लेना चाहते हो तो वो यहाँ से आप एस्ट्रो मोड में लगा के ले सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जाता है फोटोज में। स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दिया गया। स्पोर्ट्स मोड में क्या हो, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा भागते दौड़ते हुए फोटोज क्लिक करते हो तो स्पोर्ट्स मोड में ले सकते हो, काफी क्लियर वो फोटोज निकल के आने वाली है। फोकस यानी कि फोन अच्छे से मैनेज कर लेगा। फूड की फोटोज क्लिक करना चाहते हो या फिर ड्यूअल व्यू यानी कि आगे पीछे एक साथ आप फोटोज वीडियोस क्लिक करना चाहते हो तो ड्यूअल व्यू में जा सकते हो। लाइव फोटोज यहां से आप क्लिक कर पाओगे। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फोन के कंट्रोल सेंटर की तरफ। और यहां पे आपको काफी सारे शॉर्टकट कीज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज एक्स्ट्रा और मिलते हैं हमें, तो वो यहाँ पे एडिट के आइकन पे टाइप करते ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा शॉर्टकट कीज है जो आप यूज नहीं करते उन्हें उठा के आप डायरेक्टली नीचे डाल सकते हो, और जिन्हें आप मोस्टली यूज करते हो उन्हें उठा के आप फर्स्ट रो में रख सकते हो। तो ऐसे करके आप जो शॉर्टकट कीज है उन्हें मैनेज कर पाओगे। और बाकी यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर कर सकते हो, डार्क थीम यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आई प्रोटेक्शन मोड दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको फोन में मिल जाएगा। स्प्लिट स्क्रीन यहाँ से डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हो। QR कोड वगैरह स्कैन करना है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। अल्ट्रा गेम मोड एक्टिव कर सकते हो। स्मार्ट मिररिंग यानी कि अपने डिवाइस की जो स्क्रीन है दूसरे स्मार्ट टीवी वगैरह के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको मिनी स्क्रीन मोड मिल जाता है। एक्स्ट्रा डिम यानी कि रात के टाइम में काफी बार क्या होता है, हम बिल्कुल लाइट बंद करके फोन चलाते हैं तो उस टाइम एक्स्ट्रा डिम का हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारी आंखों पे कोई बैड इफेक्ट ना हो ज्यादा। और बाकी फोकस मोड यहाँ पे, बैड टाइम मोड, ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे। और गाइस यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक फोन में हमें यहाँ पे प्रोफाइल का साइन देखने को मिलता है। जैसे ही हम इस पे टैप करते हैं यहाँ पे ओनर, ऐड गेस्ट, ऐड यूजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये बहुत ही यूजफुल फीचर है और शायद हम यूज भी नहीं करते इसे। तो इसमें क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका एक ही फोन है, घर में अलग अलग लोग उसे यूज करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक यूजर आपने खुद का क्रिएट कर लिया, एक यूजर दूसरे बंदे का, आपके भाई का, बहन का, जो भी यूज करता है फोन को, तो जैसे ही अब क्या होगा, अगर वो फोन को यूज करते हैं तो वो अपने यूजर में जा सकते हैं, तो उनका जो भी डाटा, फोटोज, वीडियोज, जो भी एप्लीकेशन वो यूज करते हैं सब सेपरेट रहने वाले। आप तब यूज करोगे, आप अपने यूजर में आ सकते हो। तो इससे क्या है, कोई भी जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहती है, कुछ भी चीजें जो है शेयर नहीं होती, और अपने अपने यूजर में आप जो है यूज कर सकते हो फोन को। दूसरा क्या होता है, जैसे हम फोन काफी बार वो सारी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फोन में रहती है, हम चाहते हैं कोई हमारे फोन को यूज करे और वो सब चीजें चेक भी ना करे, तो यहाँ पे आप ऐड गेस्ट मोड करके दे सकते हो फोन अगर किसी को देना चाहो। इसमें क्या होगा, फोन जैसा आप नया लेते हो बिल्कुल प्लेन, कोई भी उसके अंदर फोटो वीडियो एप्लीकेशन नहीं मिलती, तो गेस्ट मोड में फोन बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है और वो बंदा फोन को यूज भी कर सकता है, आपका कोई भी डाटा उसके साथ शेयर नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसको जो है यूज कर सकते हो। वन टैप में आप गेस्ट मोड या फिर दूसरे यूजर में चले जाओगे और वन टैप में ओनर में भी आ सकते हो। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फोन के मेन सेटिंग्स की तरफ। और नीचे से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अबाउट फोन में हम चलते हैं। तो यहाँ से आप फोन की इन्फॉर्मेशन जो है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, कितने जीबी रैम है, स्टोरेज है, सब यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बहुत से लोगों को ये चीजें बेसिकली नहीं पता होती, काफी बार उन्हें फोन का कुछ भी चीज खरीदना हो तो वो यहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह। सो यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाते हो और बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार टैप करोगे तो डेवलपर ऑप्शन जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है, और सिस्टम में आने के बाद ये डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप काफी सारी सेटिंग्स जो है फोन की कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन में। इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया भी हुआ है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें ज्यादा चेंज नहीं करनी चाहिए जिससे फोन में सॉफ्टवेयर के तौर पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, डेवलपर ऑप्शन का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है सिस्टम नेविगेशन। और यहाँ पे जो नेविगेशन कीज है, इनके जगह पे आप जेस्चर सिस्टम भी यूज कर सकते हो। और कैसे यूज करना है जेस्चर को वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इजीली ट्यूटोरियल मिल जाता है, बहुत आसान है। फिलहाल के लिए मैं नेविगेशन कीज यूज करूंगा। और बाकी यहाँ पे आपको लैंग्वेज इनपुट में चले तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है फोन की, ऐप की और कीबोर्ड वगैरह की जो लैंग्वेज है वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड की जो कुछ सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। और सिस्टम सेटिंग्स में ही नीचे आए तो यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है और रीसेट ऑप्शन। गाइस यहाँ पे आपको वाईफाई, मोबाइल, ब्लूटूथ, ऐप प्रेफरेंस, सेटिंग्स वगैरह रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है। काफी बार क्या होता है हमारे फोन में कुछ वाईफाई, ब्लूटूथ को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है जो ठीक ही नहीं होती, तो आप रीसेट कर सकते हो उन्हें, करंटेड आपकी वो प्रॉब्लम जो है ब्लूटूथ वाईफाई से रिलेटेड सोल्व हो जाएगी रीसेट करने के बाद। और बाकी सेटिंग्स में काफी बार हमसे कुछ चीजें चेंज हो जाती है और हमें वो पता ही नहीं लगती, हम ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, तो आप सेटिंग्स वगैरह को भी रीसेट कर सकते हो। जैसे आपका फोन पहले था सेम वैसे ही हो जाएगा सेटिंग्स वगैरह रीसेट करने के बाद। तो यहाँ पे रीसेट में सिर्फ यही चीजें रीसेट होंगी, अगर कंप्लीट फोन सेट रीसेट करना है आपको तो यहाँ से इरेज ओल्ड डाटा पे जाओगे, तब जो भी आपके मैसेजेस, फोटो, वीडियो, टोटल जो भी चीजें रहेंगी फोन में से रीसेट हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल यूजर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से आके आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो। और बाकी फोन क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप पुराने फोन से नए फोन में स्विच कर रहे हो, यानी कि एक फोन से दूसरे फोन में स्विच कर रहे हो, तो यहाँ से क्लोन कर सकते हो। और क्लोन करने पे क्या होता है, जैसे जो भी आपकी फोटोज जिस फोल्डर में है, जो भी आपके मैसेजेस हैं, जो भी आपकी फोन कॉल्स हैं, हिस्ट्री है उसकी,
जो भी आपके कॉन्टेक्ट वगैरह सेव है वो एज इट इज जैसे पुराने फोन में थे वो दूसरे फोन में सेट हो जाते हैं। और इसके अलावा डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, तो सबसे फर्स्ट में स्क्रीन कैप्चर यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप थ्री फिंगर्स नीचे की तरफ स्वाइप कर सकते हो या फिर पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को एक साथ प्रेस कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त आपको माइक्रोफोन का साउंड चाहिए या नहीं चाहिए या फिर सिर्फ सिस्टम का साउंड चाहिए, तो वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इमेज क्वालिटी कैसी होनी चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की या स्क्रीन शॉट की, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नोटिफिकेशन डिसेबल, यानी कि जब भी कोई आप स्क्रीन रिकॉर्ड करो उस टाइम कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो शो नहीं होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो ये सब सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। स्मार्ट स्प्लिट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ स्मार्ट स्प्लिट आप कैसे यूज कर सकते हो। और अगर आपको इसे किसी एप्लीकेशन में एक्टिवेट करना है डायरेक्टली, कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशन रहती है जो स्मार्ट स्प्लिट को सपोर्ट करती है, तो उसमें आपको वो एप्लीकेशन यूज करते वक्त आपको थ्री फिंगर्स इजीली ऊपर की तरफ स्वाइप करना है और वो जो है स्मार्ट स्प्लिट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि सेटिंग्स का जो ऑप्शन है इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। और बाकी यहाँ से बैक चलते हम और स्मार्ट मोशन में चले, तो सबसे फर्स्ट में है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। इसमें क्या है, जैसे रेस टू वेक, जैसे आपका फोन कहीं बंद रखा है डिस्प्ले के साथ आप उठाओगे तो सबसे फर्स्ट में है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन है रेज टू वेक। इसमें क्या होता है, जैसे आपका फोन डिस्प्ले बंद कहीं रखा है अचानक से आप उठाते हो तो डिस्प्ले अपने आप लाइट अप हो जाती है, आपको पावर बटन या फिर डबल टैप करने की जरूरत नहीं होगी। डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑफ, यानी कि डबल टैप आप कहीं खाली एरिया में करोगे तो लाइट अप हो जाएगी डिस्प्ले और लाइट अप है तो वो बंद हो जाएगी। स्मार्ट कूलिंग में चलें तो यहाँ पे स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिलता है, जैसे ही आपके पास कोई कॉल आ रही है और ये ऑप्शन आपने इनेबल करके रखा है तो आप फोन को अपने कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉल पिक हो जाएगी। स्मार्ट स्विच में क्या है, जैसे इस फोन स्पीकर मोड पे है और जैसे ही आप कान के पास फोन को ले जाओगे तो ये ईयर स्पीकर जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है। स्मार्ट म्यूट, जैसे आपके पास कोई फोन कॉल आ रही है और अगर आप फोन के डिस्प्ले को कवर कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा फोन। वेव टू हैंड फ्री, कोई कॉल आ रही है और आपने 3 से 4 सेंटीमीटर के एरिया पे आपने अपनी पाम को जो है ऐसे स्वाइप किया तो ऑटोमेटिकली कॉल पिक हो जाएगी और डायरेक्टली स्पीकर मोड पे फोन चला जाएगा। तो ये सब फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, जैसे मान लीजिए आपका लॉक स्क्रीन पे हो और फोन को शेक करते हो तो फ्लैश लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्विक एक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, फोन की डिस्प्ले बंद है और उस वॉल्यूम डाउन बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हो तो ये एक पर्टिकुलर कोई भी फंक्शन आप एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे फ्लैश लाइट ऑन करना, रिकॉर्डिंग ऑन हो जाना, कैमरा ओपन होना, तो ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। इमरजेंसी में ये बहुत ही काम आते हैं, जैसे क्या होगा अगर आप कहीं पे ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो किसी को बिना बताए तो वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रख सकते हो, आपको कुछ नहीं करना डायरेक्टली ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैमरा ओपन करना है या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऐप, तो बहुत ही सही रहता है ये स्पाइंग के लिए या फिर इमरजेंसी के टाइम पे। और इजी टच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इजी टच में क्या है, एक असिस्टिबल फोन के स्क्रीन पे आ जाती है, जैसे ही आप इस पे टैप करते हो काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं शॉर्टकट में, जैसे स्क्रीनशॉट लेना, कैलकुलेटर ओपन करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर पर्टिकुलर ऐप यहाँ पे आप रख सकते हो जो बार बार आपको ओपन करनी है, या फिर एज नेविगेशन की आप इसे यूज कर सकते हो, जैसे होम स्क्रीन पे जाना या सिंगल बैक जाना, तो वो सब आप सेटिंग्स यहाँ से कर पाओगे। और इसके अलावा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, जैसे आप व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल करोगे तो यहाँ से वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद वो यहाँ पे शो होने लग जाएगी और इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद वीडियो कॉल में फेस ब्यूटी मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। और एक ऑप्शन यहाँ ऊपर रह गया था, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो तो ये जो गूगल असिस्टेंट लॉन्च होना चाहिए या फिर पावर ऑन ऑफ मेन्यू आनी चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे फ्लैश नोटिफिकेशन, जैसे ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है कॉल आएगी तो नीचे जो पीछे की तरफ फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी। वन हैंडेड मोड, फोन को अगर आप एक हाथ से यूज करना चाहते हो काफी बार तो सिंपली ये वाला जेस्चर आपको जो है अप्लाई कर देना है, फोन एक हाथ से आप इजीली यूज कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं अल्ट्रा गेम मोड में, और यहाँ पे आपको काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे गेम खेलते वक्त आप जैसे फोन की डिस्प्ले बंद कर दो तो बैकग्राउंड में गेम रन करती रहे, या फिर 4D गेम वाइब्रेशन, साउंड एनहेंसमेंट करना, नोटिफिकेशन ब्लॉक, ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं अल्ट्रा गेम मोड में। कॉल्स वगैरह म्यूट हो जाएंगी तो गेम में आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलेगी। बाकी और भी इंप्रूवमेंट जैसे साउंड से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड, ये सब अल्ट्रा गेम मोड में आपको देखने को मिल जाती है। और एक साइड बार जो है गेम जैसे ही आप ऑन करोगे वो आ जाएगा, तो वहां से आप ये सब सेटिंग्स और भी कर पाओगे। और नेक्स्ट चलते हैं लोकेशन में, और गाइस यहाँ पे आपको एक सही फीचर मिल जाता है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा किस किस ऐप ने आपकी लोकेशन एक्सेस की हुई है और कितनी देर पहले की है। यहाँ से आप जिस भी आपको लोकेशन परमिशन देना चाहते हो वो दे सकते हो, जिसको बंद करना है लोकेशन परमिशन देने से वो यहाँ से बंद कर पाओगे। नेक्स्ट चले प्राइवेसी में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, काफी लोग शिकायत रहती है कि उन्हें लॉक स्क्रीन पे
नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो यहाँ से डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल कर सकते हो, जिससे एक भी नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पे शो नहीं होगा। बाकी रिसेंट ऐप प्रीव्यू, इसमें क्या, जैसे रिसेंट ऐप मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ से सारी प्रीव्यू बिल्कुल क्लियरली दिखती है, सब कुछ पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर आप किसी रिसेंट ऐप को ब्लर करना चाहते हो तो यहाँ से आप उन्हें ब्लर कर सकते हो, तो ये काफी सही ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी में, तो यहाँ से आप स्क्रीन लॉक वगैरह सेट कर सकते हो, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और बाकी प्राइवेसी एंड ऐप इंस्क्रिप्शन में यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन पे लॉक लगा सकते हो और उसमें आपका फिंगरप्रिंट भी यूज होगा, फेस लॉक भी यूज हो जाएगा। बाकी ऐप पिनिंग का एक फीचर मिल जाता है। ऐप पिनिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से रिसेंट ऐप ओपन की, यहाँ पे टैप किया और अभी मैंने सेटिंग्स को पिन कर दिया, अब इसमें क्या होगा, सेटिंग्स से मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, सिर्फ सेटिंग्स ही मैं यूज कर सकता हूँ फोन की। तो ये काफी सही रहता है, जैसे किसी को आप फोन दे रहे हो, वो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करना चाह रहा है तो वो एप्लीकेशन आप उसे पिन करके दे सकते हो, ताकि वो कोई और चीज आपकी ना छेड़ सके या उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। तो ये काफी सही ऐप पिनिंग का फीचर फोन में दिया गया है, सभी फोन्स में आपको वैसे मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं रैम एंड स्टोरेज स्पेस में, तो यहाँ पे आपको 8GB तक वर्चुअल रैम एक्सपेंड करने का ऑप्शन मिलता है फोन में, और ये एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये आपने ऑप्शन इनेबल कर रखा है पहले से मिलता है, तो इसमें 8GB की जो आपकी फोन की स्टोरेज है वो यूज होने वाली है। तो अगर आप फोन को ज्यादा इंटेंस यूज नहीं करते, नॉर्मली यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो 8GB की स्टोरेज है वो तो बच जाए। बाकी यहाँ से आपको स्टोरेज का एक क्लियर व्यू देखने को मिल जा रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट, वीडियोस, फोटोज कितने स्पेस में आ रखी है, तो यहाँ से आप काफी अच्छे से अपनी स्टोरेज को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट बैटरी में चले, तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज जो है शो करना इनेबल कर सकते हो, स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज शो होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट में चले, तो यहाँ से आप अपने फोन की सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हो, जैसे अभी 240MB की अपडेट आ रखी है, तो इसमें क्या है, आप बार बार जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और फोन में कोई अपडेट आए तो इंस्टॉल कीजिए, ताकि फोन आपका बिल्कुल अच्छे से काम करे। नोटिफिकेशंस में चलें, तो यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री आप इनेबल कर लीजिए। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ नोटिफिकेशन क्लियर कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे जो क्लियर किए नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। काफी बार गलती से हमसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाते हैं, तो यहाँ से हम आगे चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ आए तो वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो डिस्प्ले अपने आप एक बार लाइट अप हो जाएगी, काफी सही लगता है ये देखने में। नेक्स्ट चलते हैं एप्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको फोन में सभी जो एप्लीकेशन वो देखने को मिल जाती है, और उनकी अगर आप पर्टिकुलर कोई भी सेटिंग करना चाहते हो, जैसे नोटिफिकेशन उनका बंद करना चाहते हो, परमिशन चेक करना चाहते हो, किस किस माइक्रोफोन, कैमरा, जैसे लोकेशन वगैरह के लिए रखी है, स्टोरेज कितनी रखी है, मोबाइल डाटा, वाईफाई, स्क्रीन टाइम, बैटरी यूजेज, एक पर्टिकुलर ऐप की टोटल इन्फॉर्मेशन आप यहां से आके चेकआउट कर सकते हो। ऐप क्लोन का फीचर यहां पे मिल जाता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन पे, गूगल पे, इनकी क्लोनिंग आप कर सकते हैं, यानी कि एक फोन में दो एप्लीकेशन आप एक टाइम पे यूज कर पाओगे। डिफॉल्ट ऐप में चले, तो जैसे यहां पे क्या होता है, काफी बार जैसे हमने ट्रूकॉलर फोन में रखा हुआ, तो ट्रूकॉलर डिफॉल्ट पे सेट हो जाता है, तो यहां से आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन को जो है चेंज कर सकते हो, और इसमें ब्राउजर वगैरह ये जो भी एप्लीकेशन आप देख सकते हो वो सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट चले डायनेमिक इफेक्ट में, तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट में अगर हम चले, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है म्यूजिक का, इनकमिंग कॉल का और नोटिफिकेशन का, यहाँ से ही आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आप म्यूजिक प्ले करोगे तो फोन की स्क्रीन के साइड में कुछ इस तरीके की, आपको ये देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके के एनिमेशन जो है देखने को मिलेंगे, काफी कूल लगता है। आपके पास कोई भी कॉल आएगी या फिर नोटिफिकेशन आएगा तब भी यहाँ साइड में ये एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये होम स्क्रीन एनिमेशन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो किस तरीके का होना चाहिए, और होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन, ये अलग अलग एनिमेशन मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट आइकन जो है आपको डिस्प्ले में मिलेगा, उसका ये एनिमेशन चेंज कर सकते हो, और जैसे आप फिंगरप्रिंट पे अपना थंब रखते हो तो उस टाइम कौन सा एनिमेशन होना चाहिए, तो ये काफी कूल इफेक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फेस रिकॉग्निशन के अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं, चार्जिंग एनिमेशन, और इसके अलावा यूएसबी, जैसे ही आप कोई भी यूएसबी इंसर्ट करते हो तो ये सब एनिमेशन आपको डायनेमिक मिल जाएंगे। नेक्स्ट चले लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में, तो यहाँ से लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में हम चलते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है लॉक स्क्रीन पोस्टर, अगर आप लॉक स्क्रीन पोस्टर को इनेबल रखते हो तो लॉक स्क्रीन के जो वॉलपेपर्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे, और ये रोटेट वॉलपेपर्स आप इनेबल कर लीजिएगा ताकि उससे वो चेंज होते रहे। काफी फोन में ये ऑप्शन नहीं होता, अब इसमें दिया गया है रोटेट वॉलपेपर, तो जो वॉलपेपर्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहे। सब्सक्रिप्शन टाइप एंड लैंग्वेज, किस टाइप के वॉलपेपर जो है आने चाहिए, जैसे मूवीज के, ऑटोमोबाइल के, आर्ट के, प्लांट के, ट्रैवल के, तो ये आप कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपको पसंद हो। करंट वॉलपेपर, उन जो सब्सक्रिप्शन है उनके अंदर कौन कौन से वॉलपेपर रहेंगे जो लुक स्क्रीन पे आएंगे, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे टोटली, तो ये चेकआउट कर सकते हैं आप।
गैलरी से आप कोई वॉलपेपर जो है ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप कर पाएंगे। अभी कोई फोटोज नहीं है तो इसलिए शो नहीं हो रहे, बाकी यहाँ से आप कर सकते हो। तो जो फोटोज आप सिलेक्ट करोगे वो लुक स्क्रीन पे बीच बीच में आते रहेंगे। और यहाँ से बैक चलते हैं, नेक्स्ट लुक स्क्रीन स्टाइल हमें देखने को मिलता है। बाकी लुक स्क्रीन सेटिंग्स में ये ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट ऑन लुक स्क्रीन, यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट, अपना नाम, फोन नंबर, भाई का फोन नंबर, डैडी का फोन नंबर आपके, वो सब अपडेट कर सकते हो ताकि इमरजेंसी में आपके वो नंबर को जो है यूज किया जा सके अगर कोई फोन को देखे तो। नेक्स्ट चले डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो यहाँ से आई प्रोटेक्शन मोड, डार्क थीम वगैरह इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीन टाइम आउट मैक्सिमम 10 मिनट यहाँ पे मिल जाता है, जो डिस्प्ले है ऑटोमेटिकली बंद होती है उसका टाइम है ये स्क्रीन टाइम आउट। बाकी यहाँ पे फॉन्ट साइज एंड डिस्प्ले साइज, जैसे फॉन्ट का ये जो साइज होता है ये आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले साइज जो होता है, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह ओपन करते हो तो उसमें जो साइज रहता है डिस्प्ले का, वो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है, जैसे आप देखोगे टेक्स्ट थोड़ा डार्क हो जाएंगे, तो ये सब यहाँ से कर पाओगे। बाकी यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। डाउनलोड मोर के ऑप्शन में जाओगे तो अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट आपको मिल जाते हैं जो आप डाउनलोड करके अपने फोन पे सेट कर सकते हो। स्टेटस बार में चले तो यहाँ पे शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, यानी कि इंटरनेट की जो स्पीड है यहाँ पे कंटिन्यूसली शो होती रहेगी। बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे मिल जाता है। अभी स्मार्ट स्विच है, यानी कि फोन अपने आप सेलेक्ट करेगा कब 60 हर्ट्ज कब 120 हर्ट्ज पे रखना है। बाकी अगर आप परमानेंटली 120 हर्ट्ज पे रखना चाहते हो तो यहाँ से रख सकते हो और 60 हर्ट्ज पे रख सकते हो। इसमें क्या है, 120 हर्ट्ज पे रखोगे तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, 60 हर्ट्ज पे कम कंज्यूम होगी, और स्मार्ट स्विच पे ज्यादा बेटर है फोन अपने आप जब लगे क्या कि इस एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज पे चलना चाहिए फोन तो वो ऑटोमेटिकली स्विच करेगा। विजुअल एनहांसमेंट में चले तो यहाँ पे अगर विजुअल एनहांसमेंट आप इंक्रीज कर देते हो तो जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह ये जो एप्लीकेशन है इनमें आप वीडियोस वॉच करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो में और एनहांसमेंट देखने को मिल जाएगा कलर्स वगैरह में, डायनेमिक रेंज वगैरह में। नेक्स्ट चले ब्लूटूथ एंड डिवाइस में, तो यहाँ से आपको स्मार्ट मिररिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने डिवाइस की स्क्रीन दूसरे डिवाइस के साथ यहाँ से शेयर कर सकते हो। ओटीजी का ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि आप ओटीजी केबल के थ्रू पेन ड्राइव वगैरह यहाँ पे आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को पहले इनेबल करना होगा, उसके बाद ही वो यहाँ पे शो होने वाले हैं। ओटीजी का फीचर यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि जैसे आप ओटीजी केबल के थ्रू पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो या फिर वायरलेस माउस कीबोर्ड या फिर वायर कीबोर्ड वायर माउस यूज करना चाहते हो तो यहाँ से ओटीजी के ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। उसके बाद आप इजीली कीबोर्ड माउस या पेन ड्राइव वगैरह फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो ओटीजी केबल की हेल्प से। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नियर बाय शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो का भी यहाँ पे फीचर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट में, तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना है। और बाकी डाटा सेवर मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है, काफी लोगों की शिकायत रहती है उनका डाटा जल्दी कंज्यूम हो जाता है तो यहाँ से आप डाटा सेवर मोड इनेबल कर लीजिए, इससे आपका काफी डाटा जो है बचने वाला है और पूरा दिन आराम से आपका फोन चल जाएगा इंटरनेट के लिए। बाकी नेटवर्क मैनेजमेंट में चले तो गाइस यहाँ से अगर आप लोग चाहते हो कि आपके कोई भी एप्लीकेशन है उसका इंटरनेट आप बंद करना चाहते हो वाईफाई से भी या फिर सिम नेटवर्क से भी, तो यहाँ से आप उसका इंटरनेट बंद कर सकते हो पर्टिकुलरली वाईफाई से और पर्टिकुलर सिम नेटवर्क से। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्वेरी है या फिर ओपिनियन है वीडियो को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर से करें। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।